बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया था जो देश की अस्मिता के साथ जुड़ा है और खास तौर पे पार्लियामेंट के हम सभी के स्वाभिमान के साथ जुड़ा है। जिस प्रकार से विदेशी धरती में जाके भारत का अपमान किया गया, भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त सदन मिलके पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के हिस्से में देश की राष्ट्र पार्लियामेंट का हिस्सा देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये शायद पहली बार हुआ हो कि पार्लियामेंट को मिलके पूरे पार्लियामेंट और उसमें दोनों सदन भी हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी हैं, उन सबके ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाए, जिस प्रकार के निराधार शब्द इस्तेमाल किए गए, बहुत अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए, आपने भी माननीय अध्यक्ष जी इस बात की निंदा की, आपने भी इस बात की निंदा की और आपने भी कहा कि ऐसे विषय में आप भी क्वाइट नहीं रह सकते, साइलेंट नहीं रह सकते, खास तौर पे जब एक माननीय सदस्य देश के बाहर जाकर एक अपने पार्लियामेंट के बारे में ऐसे उल्टे सीधे बयान करें, शायद मोटिवेटेड है, ये भी एक शंका आती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कहती है कि हम सब ने इस बात की निंदा भी करनी पड़ेगी और उन्होंने यहाँ पे आके माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि पार्लियामेंट में कभी भी माइक्स को ऑफ नहीं किया गया। ये माननीय स्पीकर साहब ने आपके चेयरमैन के नाते और माननीय डेप्यूटी चेयरमैन ने भी अपने वक्तव्य में इस बात की पुष्टि की है कि इनके इतने 9 वर्ष के पार्लियामेंट्री करियर में कभी ये काम नहीं। माननीय अध्यक्ष, मैं तो हैरान हूँ बाकी पार्टी के नेताओं के कि कैसे वो ऐसे काम के ऊपर, ऐसे वक्तव्य के ऊपर बाकी पार्टीज भी उनका साथ है, बाकी कई विपक्षी पार्टी के नेता ऐसे विषय में अपनी चिंता ना व्यक्त करना, ये वास्तव में खतरे का विषय है। और मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा कि वो इस बात की निंदा करें कि एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की अवमानना की है, पार्लियामेंट का को बदनाम करने की कोशिश की और विदेशी धरती पर जाकर भारत के पार्लियामेंट, भारत के दोनों सदनों की